students, today we are going to start a new chapter, chapter number 4. Name of the chapter is Basic Geometrical Ideas. Children, we are completing 3 chapters. First chapter is, yes, knowing our numbers. Second chapter is, whole numbers. Third one is, playing with numbers. So, thoda lengthy tha. So, ye wala bhi thoda lengthy hai. Okay, children. So, one by one, we are going to learn the topics in this chapter. I am going to emphasize in this video points, line, line segment, angles, triangles, curves. Children, we already learned points, line and line segment in our earlier classes. Aapne points or line jo hai, aapne third standard se seekhte aa rahe. Fourth mein aapne sikha tha line segment. Fifth mein aapne sikha tha angles. तो ये सारे वर्ड्स आपको फैमिलियर हैं, तो हम थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में सीखते हैं. तो लेट्स सी व्हाट इज पॉइंट. ओके, सो पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन. अ पॉइंट इज डिटरमाइंस अ लोकेशन. हमेशा ध्यान रखना है व्हाट इज पॉइंट. अगर आपको ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज में बोलना है तो आप क्या बोलोगे? इट्स अ लोकेशन. Point determines a location. A very tiny dot, एक छोटा सा dot जो है, on a paper or the tip of a sharp pencil. आप जो pencil use करते हैं, उसका tip. Okay, then the tip of a needle. आपका pen जो है, उसका भी जो dot है, वो भी एक point है, ठीक है? उसके ऊपर एक छोटा सा round सा ball जैसा है, that is also point. फिर नीडल है, नीडल का जो ऊपर वाला जो है, that is also dot जो है, नोकीला जो चीज है, that is also a point. It gives us an idea about a point. Points are denoted by the capital letters. Points हमेशा capital letters में denote किया जाता है. So here I took some examples. See children, point E, point D, point A, point C. अल्फाबेट भी आप ले सकते हो डिनोट करने के लिए, राइट? पॉइंट आप ले सकते हो एस, ओके, पॉइंट पी, ठीक है? नाउ पॉइंट एम. सो इस तरह से भी आप डिनोट कर सकते हो. सो दिस इज पॉइंट. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, दैट इज line segment. So what is line segment? In the adjoining figure, two points A and B, are joined by a ruler. Ruler मतलब scale से आपको दो point को join करना है, ठीक है? So this gives us the line segment AB. So line segment को हम किस तरह से लिखेंगे? How we are going to write line segment? Yes, we are going to write line segment. Line segment this way. AB line segment. A and B are called the end points of line segment AB. So this is the figure of line segment A and B. See children, this is first point A. And this is the second point. इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे एबी लाइन से. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन. पहले हमने लाइन सेगमेंट सीखा, ठीक है? अभी हमें सीखना है लाइन. इफ द लाइन सेगमेंट एबी, लाइन सेगमेंट एबी में इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड ए इन वन डायरेक्शन एंड बियॉन्ड बी. हम लाइन में कंपेयर टू लाइन सेगमेंट, हम लाइन में एक्सटेंड कर सकते हैं इस साइड यानी बी साइड एंड दिस साइड इज ए साइड. दोनों साइड हम एक्सटेंड कर सकते हैं हमारे हिसाब से. सो इफ द लाइन सेगमेंट ए बी इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड ए इन वन डायरेक्शन एंड बी बियॉन्ड बी इन द अदर डायरेक्शन, सो एंडलेस, यानी वहां पे एंड नहीं होगा, देन वी गेट द लाइन AB. यानी कि आपका जो लाइन सेगमेंट AB
यहां पे आपका ए एंड दिस वन इज योर बी, ये आपका लाइन सेगमेंट हुआ, ठीक है। तो इसे आप एक्सटेंड कर सकते हो इन वन डायरेक्शन, ए को एक डायरेक्शन में और बी को अनदर डायरेक्शन में आप एक्सटेंड कर सकते हो। ये आपका लाइन सेगमेंट का, आप उसे उसमें से आप लाइन बना सकते हो, ठीक है। सो लाइन ए बी इज रिटन एज दिस वे, यू कैन डिनोट द लाइन ए बी, ए बी लाइन, ओके। यहाँ पे ऊपर लाइन, ये लाइन है। सो चिल्ड्रन दिस इज डॉट, दिस इज लाइन सेगमेंट एंड दिस इज लाइन, इसे हम इस तरह से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो लाइन ए बी लाइन इस तरह से बोलो। टू पॉइंट्स डिटरमाइन अ लाइन, समटाइम्स अ लाइन इज डिनोटेड बाय द लेटर्स। कभी कभी जैसे ये ए बी लाइन है, इसे एक और नाम भी हम दे सकते हैं, व्हाट सी एल लाइन एल, या तो लाइन एम, लाइन एम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अल्फाबेटिकली आल्सो वी कैन डिनोट। तो समटाइम्स अ लाइन इज डिनोटेड बाय द लेटर्स लाइक पी क्यू एल एम, ओके। सो दिस इज लाइन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। पहले हमने लाइन के बारे में सीखा, अब हम सीखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। इफ टू लाइंस हैव एग्जैक्टली वन कॉमन पॉइंट, दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। इन द गिवन फिगर लाइन एम, सी चिल्ड्रन मैंने अभी आपको बताया हम लाइन को नाम दे सकते हैं अल्फाबेटिकली। सो लाइन एम जो है, line M. See, this is line M and this is line N. Both are intersecting in which point? Yes. In which point? The point P. ये point पे intersect हो रहा है, एक दूसरे को join हो रहा है. That is called intersecting point. A line M and line N intersect at the point P. So here we come to end of intersecting line topic. Now children, parallel lines, lines which do not intersect, यानी कि पहले हमने सीखा intersect वाला point जो है, उसमें दो line एक दूसरे को एक ही point पे intersect हो रहा है, इसमें क्या है, lines which do not intersect each other, तो ये सुनते ही आपके दिमाग में click हो जाना चाहिए, जैसे railway के tracks है, ठीक है, तो वो हमेशा parallel होते हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं होते हैं, crossing में होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बोल सकते हैं रेलवे के जो ट्रैक है, तो लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, ओके। ऑपोजिट एजेस ऑफ अ रूलर, लाइंस ऑन अ रूल पेपर आर एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, दैट इज रे। तो रे क्या है, लेट्स सी, अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन। रे जो है वो लाइन का ही पार्ट है। इट स्टार्ट्स एट अ पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट। सी चिल्ड्रन, यहां पे आपको फिगर दिख रहा होगा, स्टार्टिंग पॉइंट यहां से हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रे एंड गोज एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। रे हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाएगा, अगर स्टार्ट होता है यहां से, सी अगर स्टार्ट, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, और ये हमें यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है यहाँ से ओम से, तो डायरेक्शन हमेशा उस साइड जाएगा, तो इट्स गोज एंडलेसली इन वन डायरेक्शन, ओके। नाउ इन द गिवन फिगर, स्टूडेंट दिस इज द फिगर, सो यहाँ पे ओ जो है वो ओरिजिन पॉइंट है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है, ओ इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ रे, ओके। सो हियर वी कम टू एंड ऑफ द रे पॉइंट। Now angles, an angle is made of two rays. पहले हमने rays के बारे में सीखा, अब दो ray मिलके क्या बनता है, angle. An angle is made up of two rays starting from a common starting point. See children, यहाँ पे आपको एक example मैंने लिया हुआ है और draw किया हुआ है,
देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट और ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। यहां से एक रे इस डायरेक्शन में जा रहा है लेफ्ट, एक रे नीचे वाला डायरेक्शन राइट साइड में, ठीक है, एक लेफ्ट जा रहा है एक राइट जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे दिस इज पी ए पी रे एंड दिस वन इज ए क्यू रे, टू आर्म्स आर देयर इन वन एंगल्स, ओके। सो लेट्स सी नाउ, पॉइंट ओरिजिन पॉइंट कौन सा है, ए, ओके। सो ए पी एंड ए क्यू, मैंने राइट नाउ बताया आपको ए पी एंड ए क्यू आर द टू रेज ऑफ एंगल्स। एंगल का नाम क्या है, यस पी ए क्यू। एंगल को हम किस तरह से डिनोट करेंगे, यस आपने अर्लियर क्लासेस में सीखा था, वी आर गोइंग टू डिनोट एंगल लाइक दिस वे। तो हम किस तरह से लिखेंगे, पी A Q, angle P A Q. So AP ray and AQ ray are the two rays, okay, and point A is its vertex. Vertex ya to use hum bolenge origin, okay. Angle P A Q is written as angle P A Q, ya to use इस तरह से भी लिख सकते हैं या तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, Q A P, P A Q या तो Q A P. Now let's see the cos. Figures that can be drawn without lifting the pencil from the papers are called cos. Cos क्या होता है, simple cos, ओपन कर्व्स, क्लोज कर्व्स, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ फिगर, यानी कि हम पेंसिल्स को उठाए बिना कोई भी डायरेक्शन में हम ड्रॉ करते हैं। फिगर दैट कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग, ओके, द पेंसिल फ्रॉम द पेपर्स आर कॉल्ड कर्व्स। कर्व्स में अलग अलग पार्ट्स हैं, सिंपल कर्व्स हैं, फिर ओपन कर्व्स हैं, देन क्लोज कर्व्स हैं एंड पोजिशन ऑफ अ पॉइंट इन अ फिगर। Now triangle, अभी हमने angles के बारे में सीखा, उसके ऊपर से triangle now. A triangle is a polygon having three sides. Consider triangle A, B, C. See, triangle यहाँ पे three sides हैं. A, B, B, C and A, C या फिर C, A. ठीक है? तो इसे triangle को हम किस तरह से denote करेंगे? Triangle के बारे में भी आपने fifth standard में सीख चुके हैं. Okay, so triangle we are going to denote like this way. This is called triangle. ठीक है? ये triangle का symbol है, ठीक है? ये triangle जो है, इस तरह से हम इसे denote करेंगे. Triangle को हम एक हाथ उठाए बिना पूरा आपका इस तरह से triangle shape आना चाहिए. वो आप with the help of scale you have to draw और बीच में gap नहीं आना चाहिए. इसको ट्रायंगल का ये सिंबल है, ट्रायंगल ए बी सी, एंड यहाँ पे ये जो है दिस इज ए बी साइड, दिस इज ए बी साइड, ये रहा यहाँ पे ए बी साइड, देन बी सी, दिस इज बी सी एंड दिस इज सी ए, दिस इज सी ए, सो आर द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। नाउ लेट्स सी, इसमें थ्री साइड्स के अलावा थ्री एंगल्स भी होते हैं ट्रायंगल में, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो टोटल सिक्स पार्ट्स आर देयर इन वन ट्रायंगल, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स। सो वर्टाइसेस पॉइंट्स ए बी सी आर द थ्री वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एंगल्स मैंने अभी आपको बताया, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, तो उसको नाम भी हम दे सकते हैं एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए, एंगल सी ए बी आर द थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल में सिक्स पार्ट्स हैं, थ्री एंगल्स एंड थ्री साइड्स। हियर वी कम टू एंड ऑफ द टॉपिक ट्राइंगल एंड ऑल द टॉपिक्स ऑफ 4.1, 4.2 एक्सरसाइज के टॉपिक्स यहाँ पे हमारा एंड हो रहा है।